homework properly in good handwriting. Okay, now let's start lesson 9, जिसका नाम है शेक चिल्ली. क्या आपने शेक चिल्ली का नाम सुना है? नहीं, तो आइए हम जानते हैं शेक चिल्ली के बारे में. इस पाठ में पाठकों के अंदर शेक चिल्ली नामक व्यक्ति की कहानी बताई गई है. शेक चिल्ली जो हुआ करता था वो दिन में भी सपने देखता था. तो इस लेसन में देखते हैं हम वो किस तरह से दिन में भी सपने देखता है. ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए पार्ट 9, शेक चिल्ली. कई वर्ष पहले सीतापुर गांव में एक आदमी रहता था. उसे दिन में भी सपने देखने की बुरी आदत थी. तो कई वर्ष पहले की बात है कि कौन सा गांव था? सीतापुर गांव. आपको पाठ को बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि इस पाठ में किसके बारे में चर्चा हुई है, तो इसलिए आप वो क्वेश्चन के आंसर आराम से देख सकते हैं, एक एक वाक्य के आंसर. ठीक है, तो इस गांव का नाम क्या था? सीतापुर गांव. उसमें एक आदमी रहता था. ठीक है, एक दिन उसे भी सपने देखने की बुरी आदत थी. तो जो सीतापुर गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसे दिन में भी सपने देखने की आदत थी खुली आंखों से. ठीक है, इसलिए लोग उसे शेक चिल्ली कहते थे. इसीलिए लोग उसे क्या कहते थे? शेक चिल्ली, क्योंकि उसे दिन में भी सपने देखने की आदत थी. शेक चिल्ली स्वभाव से बहुत सरल व्यक्ति था. और उस शेक चिल्ली का स्वभाव कैसा था? वो बहुत ही सरल, मतलब सिंपल व्यक्ति था. ठीक है, पेट भरने के लिए वह मजदूरी किया करता था. और वो अपना पेट भरने के लिए मजदूरी किया करता था. मजदूरी यानी जो अपना पालन पोषण करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको मजदूरी कहते हैं. किसी भी टाइप की ठेला चलाना या वजन ढोना, इस तरह से. एक दिन एक सेठ ने घी खरीदा. तो एक दिन क्या हुआ, एक सेठ था, उसने घी खरीदा. घी का बड़ा बर्तन शेक चिल्ली के सर पर रखवा कर उसे घर का पता बताया और घी का बर्तन घर में पहुंचाने को कहा. तो सेठ ने क्या किया, घी खरीदा और घी का बर्तन जो है घर पर पहुंचाने के लिए शेक चिल्ली को बुलाया और शेक चिल्ली को यह काम सौंपा कि वह घी का बर्तन अपने सर के ऊपर रखकर जो उसे उसके सेठ के घर का पता दिया ताकि वो घर पर पहुंचा दे. ठीक है, शेख चिल्ली काम मिलने के कारण बहुत खुश था. तो जैसे उस सेठ ने शेख चिल्ली को घी का बर्तन घर पर पहुंचाने का काम किया, तो उस काम से वो बहुत खुश हो गया. ठीक, कि उसे काम मिला है और अब उसे पैसे भी मिलेंगे काम के बदले, तो बहुत खुश था. उसने सोचा, उसने मतलब किसके लिए आया है ये, उसने सर्वनाम शब्द है, उसने किसके लिए आया है, शेख चिल्ली के लिए. उसने सोचा आज उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो जरूर मिलेगा. तो शेख चिल्ली ने क्या सोचा, जैसे ही उसे काम मिला कि उसे मजदूरी में कम से कम 1 रुपया तो जरूर मिलेगा. इसी तरह वह और थोड़े दिन मजदूरी करके पैसे कमाएगा और उन पैसों से एक बकरी खरीदेगा. तो उसने सोचा मुझे 1 रुपया मिलेगा और वो इसी तरह से रोज पैसे कमाएगा मजदूरी करके, और फिर वो पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे, खूब कमा लेगा, तो मजदूरी कर करके फिर उस पैसों से वो क्या खरीदेगा, बकरी खरीदेगा. फिर बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों को बेचकर वह और पैसे कमाएगा. तो बकरी खरीदने के बाद क्या होगा, बकरी के बहुत सारे बच्चे होंगे और उन बच्चों को एक एक करके बेचकर वह बहुत सारे पैसे कमा लेगा. ऐसे वह सोचने लगता है. जब वह क्या करता है, जब वह अपनी सेठ जो उसको घी किया बर्तन देता है, तो वो बर्तन अपने सर पर रखकर वैसा सोचने लगता है. ठीक है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि यह सेठ है और यहाँ रास्ते का दृश्य है. सेठ है, सेठ के सामने कौन खड़ा है, ये शेख चिल्ली. शेख चिल्ली के सर पर घी का बर्तन रखा हुआ है. ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है. आगे यहां पर हम देखेंगे, जब बहुत सारे पैसे जमा होंगे तो वह अपनी
अपनी बीवी के लिए गहने बनवाएगा और नई साड़ी खरीदेगा। तो उसने सोचा कि इस तरह से बकरी के बच्चों को बेचते हुए एक एक करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने पर वह अपनी बीवी के लिए यानी पत्नी के लिए, बीवी बोलते हैं ठीक है, बीवी तो पत्नी के लिए जो है बहुत सारे सोने के गहने खरीदेगा और साड़ी खरीद कर लाएगा, ठीक है नई साड़ी। तो वह बीवी से पूछेगा सिनेमा चलोगी, और फिर क्या पूछेगा, ये दो चीज़ खरीद कर बीवी से पूछेगा कि सिनेमा चलोगी यानी पिक्चर देखने चलोगी क्या, सिनेमा मतलब कि पिक्चर फिल्म, फिल्म देखने चलोगी। बीवी सिर पर सिर मिलाकर मना करेगी, तो वो मन ही मन ऐसे सोच रहा था, ये सब वो जो है खुली आंखों से सपना देख रहा था ठीक है, कि वो बीवी के लिए जो है साड़ी खरीदेगा गहने खरीदेगा और वो बीवी उसे मना कर देगी, तो सिर मिलाकर मना करेगी तो वो उसे मनाएगा, वह बीवी को मनाएगा, फिर वह जोर से सिर हिलाएगी। ऐसे सोचते सोचते शेख चिल्ली ने जैसे ही सिर हिलाया घी का बर्तन नीचे गिर गया, सारा घी जमीन पर फैल गया। तो उसने सोचा कि बीबी जो है फिर मैं उसे बीबी को मनाऊंगा, मना करने पर कि सिनेमा देखने के लिए मना करने पर मैं उसे मनाऊंगा तो वो मान जाएगी, और मान जाएगी तो वो अपना सर ऐसे हिलाएगी ना, हाँ मैं हिलाएगी। तो ऐसा सोच ही रहा था तो उसने भी ऐसा सोचते सोचते जो है अपना सर जोर से हिलाया, तो जैसे उसने अपना सर हिलाया बर्तन जो है जमीन पर, घी का बर्तन जमीन पर नीचे गिर गया और वह टूट गया, सारा घी जो है बिखर गया नीचे गिर गया, तो जमीन पर फैल गया घी। क्यों? क्योंकि शेख चिल्ली ने ऐसा सपना देखते हुए ऐसा सोच करते हुए जो है अपना सर हिलाया, जैसे ही हिलाया सारा बर्तन जो है नीचे जमीन पर गिर गया, घी फैल गया। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कि पहले चित्र में तो हमने देखा ऊपर वाले चित्र में ठीक है कि वो सेठ उसको बर्तन दे रहा है, अभी यहाँ पर वो खुली आंखों से सपना देख रहा है, सपना देखते हुए बताया देखा शेख चिल्ली के सर पर जो है घी का बर्तन रखा है, वो ले जाते जो है सपना देख रहा है, सपने में क्या देख रहा है कि वो जो है उसने बकरी खरीद ली है और बकरियों से बच्चे को बेच कर जो है पैसे कमा रहा है या पैसे लेते हुए देख रहा है वो ठीक है सपने में। अभी यहाँ आगे देखते हैं कि जब उसने सपना देखा और सर हिलाया कि बीबी को हाँ करते हुए सर हिलाया उसने भी, तो उसका जो घी का बर्तन नीचे जमीन पर गिर गया और सब घी फैल गया ठीक है, और सेठ उसको जो है डांट रहा है। तो अभी हम आगे देखते हैं, सेठ शेख चिल्ली पर जोर से चिल्लाया और उसकी खूब पिटाई की, वह बेचारा रोता रहा। तो जब घी का बर्तन नीचे जमीन पर गिर गया तो सेठ ने देख लिया और सेठ उसको बहुत ही जोर से शेख चिल्ली को चिल्लाया और वह उसे जोर जोर से मारने लगा और शेख चिल्ली की जो है खूब पिटाई कर रही, पिटाई उसे मारने लगा, वह शेख चिल्ली जो है रोने लगा, बहुत ही रो रहा था। उस दिन में सपने देखने की वजह से आज उसका यह हाल हुआ था। तो शेख चिल्ली का कैसा हाल हुआ था, शेख चिल्ली जो है दिन में ही सपने देख रहा था इसलिए उसका ऐसा हाल हुआ था कि जो है जो उसको काम मिला वह भी काम वो ठीक से नहीं कर पाया, पैसे नहीं कमा पाया और ऊपर से सेठ ने उसको मारा भी ठीक है, उसकी पिटाई भी की और वो कुछ कमा भी नहीं पाया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, सीख है दिन में सपने नहीं देखने चाहिए ठीक है बच्चों। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, व्यर्थ के सपने नहीं देखने चाहिए, हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए मेहनत, और हमें जो हम जो भी काम करते हैं पूरे मन लगाकर हमें काम करना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त दूसरी बात दूसरी सोच हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी दूसरा सोचना विचारना नहीं चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य को हमें पूरे निष्ठा और पूरे मेहनत लगन के साथ करना चाहिए, तो हमें जो है उस काम में सफलता मिलेगी। यदि हम
दूसरे काम की ओर ध्यान देंगे और काम दूसरा कर रहे हैं तो हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। जैसे चेंचली को नहीं मिली, वह घी का हांडी जो है लेकर जा रहा था बर्तन, अगर वो अच्छी तरह काम करता मन लगा के तो उसके बदले उसे पैसे मिलते, लेकिन वो जो है दिन में ही सपने देखने लगा, सोच विचार करने लगा, वो अपने कार्य में ध्यान नहीं रखा उसने, तो उसका जो है घी का बर्तन नीचे गिर गया और उसे पैसे भी नहीं मिल पाए। तो अभी इस कहानी से हम समझ गए हैं कि दिन में भी सपने नहीं देखने चाहिए। अभी इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ में है मजदूरी, मजदूरी का अर्थ है मेहनत करने के बाद मिलने वाला पैसा। तो जो मेहनत करते हैं कोई भी मेहनत का कार्य उसके बदले जो मिलने वाला पैसा है उसको क्या बोलते हैं, मजदूरी। इंग्लिश में है डेली वेक्स। खुश, खुश का अर्थ है हिंदी में प्रसन्न और इंग्लिश में है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। तो आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं अच्छे से और आपको जो है ये पाठ कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, पाठ 9 शेख चिल्ली, और पढ़कर अच्छे से समझना है कि उसमें कौन सा गांव का नाम है और इसमें कौन दो कैरेक्टर हैं शेख चिल्ली और सेठ, और ये कहानी किसके बारे में है, कहानी के अंदर क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे देखते हैं रिक्त स्थान, जैसा कि मैं आपको PDF में भेजूंगी रिक्त स्थान, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको PDF में भेजती हूँ। यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो कुछ शब्द दे रखे हैं, हमेशा की तरह हर लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज में होते हैं इन शब्दों के ऊपर वाक्य बनाना है, वो भी मैं आपको PDF में, जैसे वाक्य कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। पहला है सपना, तो सपना मतलब कि शेख चिल्ली दिन में भी सपना देखता था, सपना शब्द के ऊपर वाक्य का प्रयोग करना है, वाक्य आपको बनाना है। तो आप वाक्य कोई भी तरह का वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। मजदूरी, तो शेख चिल्ली मजदूरी किया करता था। बकरी, तो कुछ भी इस पाठ के अलावा भी आप इस शब्द पर आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो सपने देखना बुरी आदत है और शेख चिल्ली जो है बकरी के ऊपर बना सकते हैं कि शेख चिल्ली बकरी को बेचने का सपना देख रहा था, ठीक है ऐसे। तो अभी आगे देखते हैं हम विलोम शब्द। विलोम शब्द, तो इस पाठ्य एक्सरसाइज के अंदर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको ये विलोम शब्द भी पढ़ना है और याद करना है। यहाँ, यहाँ का अर्थ होता है कि यहाँ पर, इधर ही, तो यहाँ वहाँ, दूर के लिए वहाँ का प्रयोग किया है, तो यहाँ का विलोम शब्द क्या है, वहाँ। बड़ा, छोटा, बड़ा यानी बहुत बड़ा और छोटा यानी छोटा साइज का होता है, छोटा बड़ा छोटा। लंबा, ठीना, लंबा जो है कद के लिए यूज करते हैं लंबा शब्द, कद लंबे कद का होता है, और ठीना, ठीना मतलब शॉर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं लंबा ठीना। गोरा, काला, ठीक है। तो ये विलोम शब्द भी आपको लिखना भी है नोटबुक पे और याद भी करना है। जो भी पाठ के पीछे की एक्सरसाइज रहती है मैं सब आपको करवाती हूँ, वो भी आपको याद करनी है, ठीक है, सब लिख कर। यहाँ पर अभी प्रश्न पहला है, पहला इसलिए कि व्याकरण से रिलेटेड है इसलिए प्रश्न पहला बोला गया। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित रिक्त स्थानों में भरिए। अभी यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, दिन, छोटा, यहाँ, काला। तो पहला है, ये क्या है, विलोम शब्द, यहाँ पर हमने देखा ना विलोम शब्द, तो विलोम शब्द दिए गए हैं कुछ, छोटा, यहाँ और काला। पहला है कल रात खाली जगह दूसरा सिपाही खड़ा था, तो कल रात क्या आएगा, यहाँ, कल रात यहाँ दूसरा सिपाही खड़ा था, यहाँ मतलब इधर के लिए आता है और दूर के लिए बात करते तो वहां। दूसरा है राय का खाली जगह सा दाना बड़े काम का होता है, तो राय कैसी होती है, छोटी, तो सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, राय का छोटा सा दाना क्या आएगा, छोटा सा दाना बड़े काम का होता है। तीसरा है कोए का रंग, तो
कोआ कैसा होता है? कोए के रंग की बात की है तो काला होता है, कोए का रंग काला होता है। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। आपको जैसे कि मैंने कहा पाठ को अच्छे से लर्न करना, रीड करना है, और जैसे कि मैं पीडीएफ भेजती हूँ पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको अपने होमवर्क अच्छी लिखाई में करना है और फिर लेसन को याद भी